नमो नमः हमारे प्यारे छात्रों, अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित यह कुछ गृह कार्य मैं दे रहा हूँ। इस गृह कार्य को आप एक उत्तर पुस्तिका खरीद लेंगे और उस पुस्तिका में आप इसे लिखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, प्रथमः पाठः इत्यस्य मातृभाषायाम् अनुवादं कुरुतः। इसका अर्थ यह है कि प्रथम पाठ जो आपने पढ़ा है पुरः पुरः प्रगच्छरे, उस पुरः पुरः प्रगच्छरे पूरे पाठ का हिंदी में अनुवाद करना है। दूसरा प्रश्न है, अस धातु रूपाणि पंच लकारेषु लिखता। अस धातु का रूप पांचों लकार में आप लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, राम शब्द रूपाणि लिखता। अब आप यहां पर आपके मन में दुविधा होगी कि हमने तो बालक शब्द रूप पढ़ा है। जी हाँ, आप बालक शब्द रूप जो पढ़ते हैं उसी के समान राम शब्द भी बनते हैं, क्योंकि बालक शब्द रूप भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है और उसी के समान राम भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसलिए राम शब्द का रूप लिखना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप एक नए शब्द को भी समझ लेंगे, इसलिए राम शब्द का रूप भी आप लिखेंगे। और ये तीनों ही कार्य जब विद्यालय खुलेगा तब आप प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।